शाहजहांपुर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप। मानवेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी और भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सत्ता प्रायोजित अपराध और गुंडागर्दी को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य हम करेंगे। और भाइयों बहनों इन 5 वर्ष में आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी, बिजली केवल या तो सिपाही खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी ददरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर, किस या दंगाई है इससे सावधान रहिए, इस पर इतने रुपए का जुर्माना किया गया है, इससे वसूली होनी है। भाइयों बहनों बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, हमने कहा था हम बेटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, आज हर बेटी स्कूल जा रही है। और हम लोगों ने कहा था भाइयों बहनों कि उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आज शाहजहांपुर में अपना एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो गई है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है यहां पर, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? आपको धन्यवाद, पहली डोज सभी लोगों ने ले ली है, दूसरी डोज 75% लोगों ने ले ली है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है, तो विरोधियों को जवाब दीजिए जो इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। आप सहमत है ना? और भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है, तो सबके लिए फ्री में राशन भी है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दे रहे हैं, राशन 2 बार फ्री में मिल रहा है ना महीने में। खजांची मंत्री यही के हैं खन्ना जी, और उन्हीं से हमने स्वीकृत करा करके कहा कि पहले ये स्वीकृत करो तब शाहजहांपुर में जाना, और भाइयों बहनों उन्होंने स्वीकृति दी कि गरीब के लिए अगर फ्री में राशन होगा तो सरकार अपने खजाने से पैसा देगी। और भाइयों बहनों आज हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आपने विकास होते हुए देखा होगा जहां कहीं बिजली नहीं वहां बिजली जा रही है, जहां कहीं सड़क नहीं थी वहां सड़क जा रही है,
जिस गरीब का बैंक में अकाउंट नहीं था उसका बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है। और यही नहीं भाइयों बहनों, हर विकास की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। प्रदेश देश के महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, और जब सम्मान की बात होती है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के विकास की बात करते हैं, मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो, किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। क्या विकास कराया था उन्होंने? समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है तो उपचार भाजपा दे रही है, फ्री राशन भाजपा दे रही है, वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो ये तो क्रांति की भूधरा भी है। एक तरफ हनुमत धाम है और दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक भी अब तो शाहजहांपुर में हमारी सरकार ने बना दिया है। भाइयों बहनों, इन महापुरुषों ने, इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। इनके लिए भारत माता का ही वैभव अमर बनाने के सिवाय कोई अपना कार्य नहीं था। इनका अपना परिवार था लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं जिए, देश के लिए, धर्म के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान किया। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना, किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुका है। पिछली दो सरकार में सपा बसपा के शासन काल में अगर हम इसको देखेंगे तो भाइयों बहनों, दोनों सरकारों को जोड़ लेंगे 2007 से 17 के बीच में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में उतना गन्ना मूल्य, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। शाहजहांपुर में योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां से सुरेश खन्ना जो कि मंत्री, उनकी कैबिनेट में वे चुनाव लड़ रहे हैं, 8 बार के वे विधायक हैं। ABP News, आपको रखे आगे।